ज्ञानं सेहं सविज्ञानं चिदं भक्ष्यामि अशेषतः जजगत्या नेहा भूय अन्न ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण अपना विषय में कहते हैं कि मुझसे आसक्ति प्रेम बढ़ाओ, मैं यहां सक्त मना, उसी में भगवत ज्ञान संपूर्ण लाभ हो जाए। मैया सक्त मना पार्थ जोगम जिन मदाश्रय, भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भगवान यदि कोई कहे कि भगवान तो हमारा सामने है नहीं, तो भगवान का आश्रय किस तरह से मैं करूं? इसलिए चौथा अध्याय में भगवान बताए एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयोगी, भगवान का आश्रय ग्रहण कीजिए
और नहीं तो भगवान से जो परंपरा था, एक शिष्य से और एक शिष्य, जैसे भगवान पहले ब्रह्मा जी को बताया था तो ब्रह्मा जी नारद जी को बताया और नारद जी व्यासदेव को बताया और व्यासदेव उनका शिष्य माध्वाचार्य आदि। इसी प्रकार परंपरा से भगवत ज्ञान लाभ अवरह पंथा, ऊपर से नीचे आते, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, वो संभव है। जो व्यक्ति मनमाफी भगवत चिंतन करता है, भगवान का पास पहुंचने के लिए प्रयास करता है, उसको भगवत मिलना मुश्किल है, क्लेश अधिकतर स्थित उनके लिए बहुत क्लेश है। और भगवान से, भगवान का विषय जो ज्ञान है, उसको यदि किसको प्राप्त होता है वो परंपरा से। इसलिए चार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, संप्रदाय से यदि आप भगवत ज्ञान लाभ करेंगे तो वो संपूर्ण है। असंशयन समग्र मां, उसमें कोई संशय नहीं रहेगा और पूर्ण ज्ञान, क्योंकि मैया सत्यमनाथ जुगम झुंझन मदाश्रय, मदाश्रय भगवान, ये तो भगवान का परंपरा सूत्र से जो आचार्य है उनका आश्रय ग्रहण करने से भगवत ज्ञान पूर्णता से लाभ होगा। उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा, जो भगवान निराकार है कि आकार नहीं है, भगवान शून्य है कि भगवान का विग्रह है, अनेक विषय हम लोग को संदेह रह जाता है। यदि परंपरा सूत्र से आचार्य जैसा बताते हैं उस प्रकार हम लोग भगवत ज्ञान लाभ करेंगे तो वो संपूर्ण है। इसलिए भगवान स्वयं बताते हैं कि ज्ञानं से हम सभी ज्ञान इदम, ये जो अध्याय में भगवान अपने विषय में हम लोग को समझा रहे हैं, ये पूर्ण ज्ञान और सभी ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान इंग्लिश में बोलता है थियोरिटिकल नॉलेज, ये जैसा बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग पहले बताते हैं ये चीज ये वस्तु से बना हुआ है, फिर उसको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, दिखाते हैं किस तरह से वो चीज बन सकता है और वस्तु से मिलकर के। तो एक चीज ज्ञान और एक चीज विज्ञान। ज्ञान है कि परमेश्वर कोई है, ये ज्ञान है, और वास्तविक परमेश्वर है, उससे हम मिल सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, उनको निर्देश ले सकते हैं, वो विज्ञान। तो भगवान से संपूर्ण ज्ञान एक तो किताब शास्त्र आदि में मिलता है, और जो वास्तविक आगे बढ़े हुए हैं वो भगवान सुन से बातचीत करते, वो भी एक परिस्थिति है, उसको विज्ञान कहा जाता है। ये कोई हमारी बनाई हुई बात नहीं है, भगवान खुद कहते हैं त्रिशांग सतत युक्तानांग भजतांग प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि जोगं तम जीन माम उपयाति। तो वो जो भगवान से बातचीत करने की जो परिस्थिति है वो एक अवस्था विशेष है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय, हमारा जो अभी इंद्रिय है जड़ इंद्रिय, ये इंद्रिय से
भगवत ज्ञान नहीं हो सकेगा। ये इंद्रिय को प्राकृत इंद्रिय से अप्राकृत इंद्रिय में जाने पड़ेगा। है हमारा प्राकृत इंद्रिय, बाकी वो ढका हुआ। प्राकृत भूमि अपान और वायु, आगे जाके भगवान समझाए। ये जो हमारा इंद्रिय है, जैसे भगवान का इंद्रिय है, हमारा भी इंद्रिय है। जैसे पिताजी है, पिताजी का भी इंद्रिय है, पुत्र का भी इंद्रिय। ये नहीं है जो पुत्र का इंद्रिय है और पिता का इंद्रिय नहीं है, ये बात नहीं। तो ये इंद्रिय जो हमारा भी है, ये ढका हुआ है भौतिक वस्तु द्वारा। ये ढका हुआ, जैसे हमारा शरीर ये कपड़े से ढका हुआ है, असल शरीर कपड़े का अंदर है। इसी प्रकार ये जो शरीर है भौतिक, इसका अंदर में असल में मैं हूं। देह नस्मिन यथा देह कौमान जो बन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्व नहीं। तो ये जो ज्ञान और इसका चित्र से विज्ञान सम्मत समझना, उसका नाम है विज्ञान। भगवत विज्ञान और आत्मविज्ञान और ब्रह्म विज्ञान सभी एक ही बात है। तो भगवान खुद ब्रह्म ज्ञान बता रहे हैं, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। ये जो मनुष्य शरीर है, ये ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के लिए है, और कोई ज्ञान लाभ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ज्ञान लाभ करेगा? केवल भगवत ज्ञान, अर्थात तो ब्रह्म ही मनुष्य शरीर है। तो भगवान परब्रह्म कृष्णा, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, वो खुद बताते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानम तेहम सब ज्ञान, विज्ञान सहित मैं तुमको बता रहा हूं। ज्ञानम तेहम सब ज्ञानम इदम बख्श्यामी, भगवान स्वयं बता रहे हैं। और बाकी क्या रह गया? किसी को ज्ञान लेने के लिए कोई गुरु के पास जाने पड़ता है, टीचर के पास जाने पड़ता है, कोई बुजुर्ग से लेने पड़ता है। स्वयं भगवान सर्वसज्ज पूर्ण भगवान सब ज्ञान के अधिकारी, ऐसज समग्र बीजस दशस श्रिय ज्ञान वैराग, संपूर्ण ज्ञान जिसका पास वो बता रहा है। ज्ञानं तेहं सविज्ञान इदं बक्षामि, मैं तुमको बता रहा अशेषता, और उसमें कुछ बाकी रखे नहीं, सब संपूर्ण बताऊंगा। भगवत ज्ञान लेने में क्या मुश्किल होता है? भगवान खुद आ करके बता रहे हैं साक्षात। अगर आप कहेंगे जो हमको तो नहीं बता रहे हैं, अर्जुन को बता, अरे अर्जुन को बताया तो वो तो जो अर्जुन को बताया सब लिखा है। तुम अर्जुन जैसा समझा उसी प्रकार तुम समझ जाओ तो भगवान तुम्हारा साक्षात सामने ही है। भगवान तो है तुम्हारे सामने, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान कोई ज्यादा दूर में नहीं है, आपका हृदय में बैठे हुए हैं। केवल उनसे बातचीत करने के लिए आपको क्वालिफाइड यानी उस गुण को, उस क्या बोलता है अध्यक्षता, उसको प्राप्ति करनी है। तो भगवान से बातचीत करने के लिए योग्यता लाभ करनी, वो योग्यता क्या चीज है? भक्ति, भक्त्यामाम विजानाति। भगवान को अगर कोई समझते हैं ये पत्थर है, ये क्या नाम मेटल है, कोई धातु, ये पुतली पूजा करते हैं, बहुत से आदमी कहते हैं मंदिर में जाके क्या होगा, भगवान सर्वत्र बैठे हैं तो मंदिर में क्या होगा? तो उनका विचार है कि भगवान सर्वत्र है, केवल मंदिर में नहीं है।
बाकी बात ये नहीं, भगवान यदि सर्वत्र है तो मंदिर में भी है, तो मंदिर में जाने में आपत्ति क्या है। बाकी तैयत व्यक्ति ऐसे कहते हैं तो उसको मानने का कोई जरूरत नहीं है। भगवान मंदिर में है और मंदिर में जाकर के भगवत उपासना मनोना भगवान भक्त मद जाजी भगवान को उपासना पूजा करना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम दे करके। इसी तरह से आस्ते आस्ते आसक्ति बनने से भगवान क्या चीज है समझ में आएगा। तो ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम बक्षामी अश्री सतः जलगत्या। यदि भगवत ज्ञान तुम्हारा हो गया, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान ये ज्ञान यदि संपूर्ण हो गया, जज ज्ञात्या न य भूय अन्न ज्ञात ब्रह्म उसे, ये वेद में भी ऐसे लिखा है, जस्मिन विज्ञाते सर्वमेतम विज्ञातम भवंती। जब केवल यदि भगवान को ही आप समझ जाए तो और जितने जितने सब ज्ञान की वस्तु है सब समझ। भगवान को समझने से वो ब्रह्म ज्ञान भी हो जाएगा, परमात्मा ज्ञान भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। जज ज्ञात्या यदि भगवान को समझ लिया तो फिर समझ जाएंगे, उसका और अलग से कोई समझने का जरूरत नहीं है। भगवान खुद कह रहे हैं कि जज ज्ञात्या यदि मैं क्या चीज है इसको समझ जाओगे तो ना यह ये जगत में और कोई ज्ञातव्य विषय नहीं रहेगा, सब ज्ञान संपूर्ण हो जाएगा। जज ज्ञाता ने हुए अन्न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो भगवत ज्ञान यदि इतना सरल है केवल कृष्ण को ही समझ कोई आदमी समझ जाए तो संपूर्ण ज्ञान उसको हो जाता है, ये सिद्धांत कोई अगर कहेंगे तो फिर जितना कृष्ण भक्त है वो फिर सब ज्ञान उनका पास है, उसको और कोई ज्ञान लाभ करने की जरूरत नहीं है। बाकी वो जो कृष्ण ज्ञान है वो इतना सरल नहीं, वो बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान बताते हैं मनुष्यालाम सहस्रेशु कश्चित जतति सिद्ध है जतामपी सिद्धानाम कश्चित व्यक्तिमाम तत्व। ऐसा साधारण समझना ये कृष्णा कोई व्यक्ति आए थे मथुरा में, उनका जन्म हुआ था और उनको पालन किया था नंद महाराज अर्जुनमती, ये भी ज्ञान है, इस ज्ञान का भी बहुत अर्थ है, अर्थ नहीं है, इस ज्ञान का भी बहुत उपकार है। केवल यदि कृष्ण को इतना ही समझ जाए कि कृष्णा भगवान कृपा करके इधर आए थे और वसुदेव का पुत्र होकर के जन्म लिया था और नंद महाराज उसको पालक, ये भी बहुत ज्ञान है। बाकी ये ज्ञान भी होना बड़ा मुश्किल है, कोई कोई ऐसा समझता है जो ये जो कृष्ण है ये कोई व्यक्ति है, और कोई कोई बोलता है कि कृष्णा ऐसी व्यक्ति कोई इधर आए थे ये हम नहीं मानते। बड़े बड़े सब पॉलिटिशियन लोग ऐसे कहते हैं जो वो भगवत गीता पढ़ के वो कृष्णा जो कोई व्यक्ति भगवत गीता बताया था उसको भी समझ नहीं पाते, उसको डिनाय करते। इसलिए भगवान खुद बताते हैं जो मनुष्यालाम सहस्य हजारों व्यक्ति का भीतर एक व्यक्ति न, तभी तो प्रचार की जरूरत है। क्योंकि भगवान को कोई नहीं समझता। बाकी हमारा एक इंस्ट कॉन्शसनेस जो मूवमेंट है हम लोग यही कैनवास करते हैं जो देखो जी ये भगवान है कृष्ण और इसका बाप का नाम है ये और इसका ठिकाना इतना है, ये नंबर है, आप जाइए, इतना हम लोग साफ साफ बता दें, कोई उसमें अनसेंट नहीं बताते, साफ बता देते। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है जो कदर्थ करके भगवत गीता प्रवचन न करो,
जैसे भगवान बताया है वैसे ही बोलो। जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, मैं तुम गुरु बन गया। भगवान जैसे बताता है उसी प्रकार तुम भी बता दो, तुमको कोई और ज्यादा सीखने का, ज्यादा विद्वान होने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा इतना ही कह दो जो भगवान बताया, बस तुम गुरु हो गया। ये चैतन्य महाप्रभु हमारा गाय गुरु हो गया। तारो यही देश जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो हम लोग इतना ही, हम लोग मूर्ख है, हम लोग ज्यादा पढ़े सुने नहीं है, परंतु इतना काम जरूर हम लोग करते हैं। जो ये जो भगवत गीता भगवान को कृष्ण कॉन्शियस ने सारा दुनिया में हम लोग प्रचार करते हैं, उसमें इतना ही बताते हैं जो कि भगवान बताए, बस और कुछ नहीं। भगवान बोलते हैं मन मना भव मत भक्त मत जाति मांग नमस्कुरु, हम लोग यही कहते हैं। तो देखो जी अब समय है भगवान का चिंतन करो, और भगवान कौन है? कृष्ण, हरे कृष्ण बोलो। और भगवान के उपासना करो, भगवान को नमस्कार करो, और भगवान का भक्त हो जाओ। इसमें कोई ज्यादा विद्वान होने का कोई जरूरत ही नहीं, सब विद्या उसमें। इसलिए भगवान कहते हैं जद गत्या भूय अन्न ज्ञातव्यम न अवशिष्ट, और तुम्हारा ज्यादा उस्तादि करने का कोई जरूरत नहीं, इतना ही खर्च। मन वाला भव मद भक्त मत जा, इतना ही समझ जाओ तो तुम्हारा संपूर्ण ज्ञान हो गया। ये भगवान होता जो भगवान आखिरी में यही कहता है सर्वधनवान परित्यज्य मामि गंग शरण। इतना ज्ञान अगर तुम्हारा हो गया जो भगवान कृष्ण संग भगवान है और उसको चरण में शरणापत्ति एकमात्र हमारा कर्तव्य, बस यही ज्ञान अगर लाभ कर लो तो फिर और ज्यादा ज्ञान लाभ करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये ज्ञान भी होना बड़ा मुश्किल है, ये सरल है। वो जो कृष्ण भगवान है और कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाओ, ये बड़ा सिंपल ज्ञान है। बाकी ये इतना ही दुर्भाग्य है जो वो समझते हैं ये क्या है भगवान, मैं भगवान, इसको क्यों हम नमस्कार करें। ये सब मंदिर में नहीं जाते, वृंदावन में हजारों मंदिर है, ये जो अपने को भगवान समझने वाला है कोई दर्शन करने को नहीं जाए, वो सब हम तो भगवान है, हम कोई मंदिर में क्यों जाए। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्य, ये जो ज्ञान है ये भगवान कृष्ण स्वयं भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी वैकुंठ लोके मिड़ंती विदेवी। तो ये ज्ञान होना भी बहुत सौभाग्य का विषय है, जिसका सौभाग्य नहीं है ये ज्ञान भी होता नहीं, मामूली ज्ञान। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्येषु कश्चित् जतति सिद्ध। सिद्धि क्या चीज है? सिद्धि यही है जो अपनों को समझना, व्हाट आई हैव, ये इसका नाम सिद्धि है, ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के विशेष करके आज का कौन ब्रह्म ज्ञान लाभ करने को जाता, ये ज्ञान लाभ हो जाए जो 200-500 हजार रुपया कमा लें और मजे से रहे, यही ज्ञान लाभ करने के सब स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं, और ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के लिए कौन जाता और कौन सिखाता भी है। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्येषु, सब जाते हैं पेट का पालने के ज्ञान के लिए जाते हैं, और ब्रह्म ज्ञान कौन जाता। इसलिए कहते हैं मनुष्यानाम सहस्य, सब कुत्ता भेड़ी जैसा ज्ञान लाभ किया है, किस तरह से पेट पालना है वो ज्ञान लाभ करने को चाहते। इसलिए शास्त्र में मना करते हैं जी ये ज्ञान लाभ करने के लिए दिन भर परिश्रम करने के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं है। नायांग देह देह बाजांग निलोके कष्टान कामान अरहति भी भुजान, ये जो इतना तकलीफ उठा करके दो रोटी के लिए दिन भर परिश्रम करना और इंद्रिय तर्पण करना, ये कोई मनुष्य जीवन का काम है क्या? मना करते
नहीं अयम देहा नीलोक। हाँ ये तो कुत्ता भाई करते हैं। हाँ तो इसलिए कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कोई इंटरेस्टेड है। हाँ विशेष करके कलयुग में मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपोद्भूत वेरी वेरी स्लो। हाँ तो इसलिए भगवान कहते हैं जे ये जो भगवत तत्व ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान ये सबके लिए नहीं है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित जगति सिद्ध है और सिद्ध भी हो गया ब्रह्म ज्ञान में लाभ हो गया तब भी भगवान को नहीं समझ सकते। हाँ जतताम भी सिद्ध्यानाम जो कि सिद्धि लाभ किया है इस प्रकार व्यक्ति वो भी कृष्ण को समझ नहीं पाते। हाँ मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित जगति सिद्ध है जतताम भी सिद्ध्यानाम कश्चित व्यक्ति मान तात्विक नहीं जानते। इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं किस तरह से भगवान तो तात्विक समझ में आएगा खुद बता रहे हैं। तो नेक्स्ट भाग हम लोग साधारणतः ये भौतिक वस्तु को समझते हैं ये जो जमीन है भूमि रापा नलो बाहू बड़े बड़े सब एक्सपर्ट साइंटिस्ट सॉयल एक्सपर्ट देखता है इस जमीन में क्या पैदा हो सकता है इस जमीन में क्या चीज है सोना है कि कोयला है ये सब स्टडी साइंस होल साइंस विज्ञान दुनिया में जो विज्ञान चलता है ये सब भौतिक वस्तु का अध्ययन करते हैं। इसलिए भगवान पहली भौतिक वस्तु का उत्थापन किया कि भूमि रप अनल वायु ये जो पंच तत्व है भूमि है अप पानी जो है समुद्र है और लैंड जमीन है भूमि अप अनल फिर अग्नि है वायु बाताश और आकाश ये सुख जड़ से सुख नहीं तो सूक्ष्म से जड़ होता है तो इसमें इससे भी सूक्ष्म जो है आकाश से सूक्ष्म है मन और अहंकार ये सब विचार जो है ये भगवान बताते ये सब चीज है भौतिक चीज भूमि रप अनल वायु खंग मना बुद्धि रेवत बुद्धि भी इंटेलिजेंस ये भी भौतिक है मन भी भौतिक है आकाश भी भौतिक है ये सब भौतिक है अहंकार और अहंकार अहंकार जो वृथा और झूठ अहंकार ये जो भौतिक जगत में हम लोग है ये शरीर भौतिक जगत में हमको मिला है मैं समझता है कि मैं इंडियन है और दूसरे कोई समझता है हम अमेरिकन है और कोई समझता है ब्राह्मण है कोई बोलता है हम क्षत्रिय है ये जो सब अहंकार है ये झूठ अहंकार है असल अहंकार है अहं ब्रह्मास्मि। हाँ तो ये जो अहंकार है शरीरगत अहंकार ये वृथा अहंकार है। हाँ ये असल अहंकार नहीं है तो ये अहंकार प्राकृत अहंकार है ये अप्राकृत अहंकार नहीं अप्राकृत अहंकार है जो मैं भगवान का दास है न तो हिंदू है न तो मुसलमान है न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है न इंडियन है न अमेरिकन है अहं गोपी भक्तु पद कमलयो दास दासानुदास ये चैतन्य महाप्रभु ने परिचय दिया था जो मैं तो ब्राह्मण भी नहीं है और सन्यासी भी नहीं है और क्षत्रिय भी नहीं है और वैश्य भी नहीं है शूद्र भी नहीं है नहीं है नहीं है जो चार आठ वर्णाश्रम विचार है वो चैतन्य महापुरुष सब अस्वीकार किया ये सब हम कुछ नहीं है अहं ब्रह्मास्मि इसका अर्थ चैतन्य महापुरुष बता गए तो फिर आप है कौन ये सब मैं दे दिया है नहीं तो उसका जवाब में भगवान कहते हैं चैतन्य महापुरुष जी गोपी भक्तो जो गोपी लोग को भरता है उसको जो पालन करते हैं उनसे जो संपर्क है भगवान कृष्ण उनके दास के दास के दास के दास के 100 times ये हमारा परिचय गोपी भक्त पद कमल यो दास दासानुदास ये वैष्णव का परिचय है जो भगवान का दास है वो डायरेक्टली इमीडिएटली भगवान को दास होने के लिए वो प्रयास नहीं करते हैं।
वो दास का दास अनुसार। हाँ, तो प्रहलाद महाराज जब उनको निशिन्नो दे वर देने मांगा, बेटा तो बहुत कष्ट सहन किया है, अब लो जो चाह। तो वो प्रहलाद महाराज यही बताया था कि महाराज आप तो देने वाला है ही है, और हम असुर कुल में जन्म ग्रहण किया है, वो हमारा स्वभाव है मांगने का, और ले और ले और ले। ये आप देने को चाहते हैं और हमारा वंश पुराण से केवल संग्रह करना, ये तो बड़ा संयोग हो गया। बाकी ये चीज हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम देख चुका है हमारा पिताजी जब कोई क्रोध हो जाता तो देवता लोग भी डर जाता था। ये संपत्ति, ये प्रभाव आप एक सेकंड में खत्म कर लिया, तो ये सी चीज क्यों हम मांगे जो एक सेकंड में खत्म हो सकता है। यदि आप हमको कृपा करने को चाहते हैं तो आपका जो दास है उसको नौकर हमको बना दीजिए। ये प्रहलाद महाराज प्रार्थना, तो ये हम लोग का प्रार्थनिया है। गोपी भक्त पद कमल दास दासानुदास, ये चैतन्य महा यही वैष्णव परंपरा का शिक्षण है। तो कहने का मतलब जो जो मनुष्याराम सहस्रेशु कश्चित जगत सिद्ध है, सिद्ध सिद्ध माने जो ब्रह्म ज्ञान संपन्न है उसको सिद्ध बोला जाता। तो ब्रह्म भूत और प्रसन्न आत्मा जो वास्तविक सिद्ध हो जाते हैं ब्रह्म ज्ञान लाभ किया, उसको प्रसन्न आत्मा, आत्मा प्रसन्न हो जाता, क्योंकि उसको जो असल आइडेंटिफिकेशन है क्या वस्तु है उसको ज्ञान हो जाता। अभी तो ब्रह्म है, मैं शरीर है, मैं ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय है, मैं इंडियन है, ये तो सब इल्यूजन है, ब्रह्म है। असल ज्ञान जब हो जाता है अहं ब्रह्मास्मि, तो प्रसन्न आत्मा, फिर उसका कुछ सोच। प्रसन्न आत्मा का अर्थ क्या, न सोचती न कांक्षती, उसको कोई सोचना भी नहीं है और आकांक्षा भी नहीं है। क्या चीज मान, सब तो भौतिक चीज है, और भौतिक चीज से हमारा क्या मतलब है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कुंती जी भगवान को संबोधन क्या, अकिंचन गोचर, अकिंचन जिसका भौतिक संपर्क है नहीं, भौतिक जगत में जिसका कुछ मांगने का है नहीं, उसके लिए आप है अकिंचन गोचर। और चैतन्य महाप्रभु बताए इन जगह में कि भगवत भक्ति निष्किंचन, ये निष्किंचन भगवान निष्किंचन गोचर। और इस प्रकार जो निष्किंचन है चैतन्य भाव, निष्किंचन भगवत भजनोन्मुख, जो व्यक्ति निष्किंचन केवल भगवान को चाहते हैं, निष्किंचन भगवत भजनोन्मुख पारंग परंग जिगिमिषो भवसागर, इन भवसागर का उधर जाने को चाहते, इधर नहीं रहना चाहते। उसके लिए विषय नाम संदर्शनम अथ जुगुषितांच हा हंत हा हंत विषभक्षणादपि असाधु, ये सब शास्त्र में है। तो ये ब्रह्मभूत होने से फिर वृथा अहंकार नहीं रहता, जो मैं ये है मैं ये है ये नहीं, वो समझ जाते हैं कि केवल ब्रह्म ज्ञान होने से नहीं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वेषु भूतेषु, जो ब्रह्म ज्ञानी है पंडिता समदर्शन, वो फिर भेद दर्शन नहीं करते हैं, सबको जानते हैं कि ये जो भगवान ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वेषु भूतेषु, जो ब्रह्म ज्ञानी है पंडिता समदर्शन, वो फिर भेद दर्शन नहीं करते हैं, सबको जानते हैं कि ये जो भगवान ब्रह्म का सा अंश है ममैवांश, ये भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म ज्ञान माने ब्रह्म तो हम लोग है ही है, ये नहीं है जो तपस्या करके ब्रह्म हो गया, नहीं, ब्रह्म तो है ही है, ढका हुआ ब्रह्म है, वो ब्रह्म भूत होना चाहिए कि मैं कि भौतिक वस्तु नहीं है, मैं ब्रह्म भूत, वो ज्ञान देर इज ज्ञान ज्ञान थे सभी ज्ञान। तो वो ब्रह्म ज्ञान होने का पश्चात समाप्त सर्वेशु भूतेशु
तब जाकर के भगवत भक्ति शुरू होती है। मद भक्ति लभते परा, ये सब विचार। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्येषु कश्चित् जदति सिद्ध। एक तो ब्रह्म ज्ञान होना ही बड़ा मुश्किल है, अब ब्रह्म ज्ञान हो करके लाभ करके फिर ब्रह्म स्थिति होनी चाहिए, वो ब्रह्म स्थिति है भगवत भक्ति। मान चव्या विचारिणी भक्ति जोगी न जा सेवते सगुणान समतितान ब्रह्म भूयाग। केवल ब्रह्म ज्ञान होने से नहीं होगा, हाँ ब्रह्म स्थिति होनी चाहिए। तो ब्रह्म स्थिति क्या चीज है? भगवत भक्त। मान चव्या विचारिणी भक्ति जोगी न जा सगुणान समत, वो उनसे फिर भौतिक गुण से कुछ संपर्क ही नहीं रहा, हाँ तभी तो ब्रह्म ज्ञान ठीक हो। यदि भौतिक गुण से हमारा संपर्क रहा, समझ लीजिए हम ब्राह्मण ही हो गया। हाँ भौतिक गुणों में सत्तर राजा तमोगुण, तो ब्राह्मण का सतगुण में स्थिति है, तो अगर ब्राह्मण ही हो गया तो उसमें भी हम मुक्त मुक्त नहीं है, वो भी भौतिक स्थिति है, उसका ऊपर जाना चाहिए। शुद्ध सत्ता मीन वैष्णव, वो भगवत ज्ञान। इसलिए भगवान कहते हैं कि समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परां। फिर ब्रह्म ज्ञान होने का पश्चात फिर ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति है तो भक्ति, मद भक्ति लभते परां। वो ब्रह्म जो ब्रह्म स्थिति, उसी से भगवत ज्ञान होता है। भक्त्यामाम अभिजानाति जावान चामी तत्व, वही तत्व ये भगवान जी इधर कहते हैं मनुष्यानाम सहस्येषु कश्चित् जतति सिद्धः जतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् वेत्ति मां तत्त्वतः। वो तत्व ज्ञान कब लाभ होता है? हाँ भक्त्यामाम अभिजानाति जावान जस्यामि तत्त्व। तो यदि भगवान को तात्विक आप समझने चाहते हैं तो ये जो भक्ति सवनम कीर्तनंग विष्णु स्मरणंग पाद सेवनम, इस प्रोसेस को इसको जाजन करना चाहिए। ये प्रहलाद महाराज बताया था, जो उनके पिताजी जब पूछा कि बेटा तुम क्या अच्छा चीज सिखाए थोड़ा बताओ, तो वो बोला जो महाराज हम तो जानते यही सबसे बढ़िया चीज है कि सवनम कीर्तनंग विष्णु स्मरणंग पाद सेवनम अर्चनंग वंदनंग दासम सक्षम आत्मनिवेश, ये सबसे बढ़िया चीज है। ये सब समा है भगवान का विषय सुनना चाहिए, श्रवण सुनते 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 सिन्नता चकता कृष्ण। यदि भगवान की कथा आप सुने सब समा सिन्नता सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, केवल आप समझे और न समझे, यदि भगवान की कथा आप श्रवण करेंगे तो आप पुण्यवान हो जाएंगे। पुण्य श्रवण की जो भगवान की कथा कीर्तन करेंगे और यदि भगवान की कथा सुनेंगे दो ही पुण्यवान हो जाएगा, और जब पुण्यवान हो जाएगा इसका पाप नहीं रहेगा। जैसा हम तो अंतगत पापम जनानांग पुण्य कर्माण ते दंड महोन्मुक्त भजंती मांग। इसलिए श्रवण कीर्तन बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही सभा समिति में सब समय सभा समिति संभव नहीं है तो घर में सब कोई बैठ करके अपना बाल बच्चा लेकर के कीर्तन कीजिए और भगवत गीता को पाठ कीजिए और अनसंड बकिए नहीं, जैसा भगवान बताया है उसको सुनाइए सुनिए, आपको जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna.